बालों का क्या करूं यार, कैसे लग रहे हैं ना अजीब से। चलो ओ, ये कितनी बार खुलेंगे यार, हद हो गई मतलब। चलो ऑल सेट रेडी स्टडी एंड गो। प्लीज़ वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो यस गाइज, आज का जो वीडियो है वो ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि समर्स में हमारी स्किन ऑयल की खान बन जाती है, और जब तक अगर आप अच्छा स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करोगे, तब तक मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, सारा आपके ऑयल के साथ बह के चला जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में आ गए हैं। सो यस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो लिटरली मैं समर्स में यूज करती हूँ, एंड दीज आर लिटरली समर एसेंशियल फॉर ऑयली गर्ल्स। एंड यस, अमेजोन सेल इज लाइव, सो बहुत अच्छे वाले डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड वी ऑल नो कि अमेजोन की डिलीवरी सबसे ज़्यादा फास्ट है, लाइक अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो विद इन 2 डेज में आपके पास आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली आई लव अमेजोन। यस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। यस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो लिटरली एक ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, दैट वन इज फेस वॉश। जब तक आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ नहीं करोगे, आपका जो ऑयल है, आपका जो सीबम है, डर्ट है, वो जब तक क्लियर नहीं होगी फेस पे, तब तक आप कुछ भी स्किन केयर कर लो, मेकअप कर लो, वो लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं रहेगा। सो यस, दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश, दैट इज सेटाफिल का डेली एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स के साथ आता है, और बहुत अच्छे से ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा वर्क करता है, गंदगी पूरी बाहर निकाल देता है, एक्सफोलिएट कर देता है आपकी स्किन को। इसकी एक्सफोलिएशन वाली चीज सबसे अच्छी है, ऑयली स्किन वालों को ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, ओपन पोर्स, इन सबकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो फेस वॉश है, इसका वैसे मेरे चैनल पे आपको डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। बट यस, दिस इज लिटरली वर्थ बाइंग, दिस इज माई सेकेंड या थर्ड ट्यूब, बहुत अच्छा काम करती है ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली। एंड यस, फेस वॉश के बाद आपको यूज करना होता है एक अच्छा सा टोनर, एंड रिसेंटली अभी मैं यूज कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का ये पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड AHA फेस टोनर। ये भी गाइज काफी अच्छा है, बेसिकली ये ना बहुत ड्राई नहीं करता है आपकी स्किन को, बट एक जो होता है ना, ग्लो रहना चाहिए फेस पे, क्योंकि जब भी आप कोई भी फेस वॉश यूज करोगे जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो या इस तरह के एक्सफोलिएट्स हो, वो आपकी स्किन से ना डर्ट निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, उसके बाद आपकी स्किन बहुत खिंची खिंची सी, रूखी रूखी नजर आती है। तो हमेशा एक ऐसा टोनर आप यूज करो जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, ग्लो प्रोवाइड करे। तो ये जो टोनर है ना, ये लिटरली आप देख सकते हो स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, और जब भी आप इसके साथ कोई भी मेकअप करोगे या आपकी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी यूज करोगे ना, तो आपकी स्किन पे ना लगेगा कि यस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, फेस पे ग्लो नजर आएगा। सो ये बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए, सबके लिए काफी अच्छा टोनर है, नॉमिनल प्राइस का है, एंड वी ऑल नो कि मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑयली स्किन वालों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो हमेशा एक अच्छा टोनर यूज करना बहुत जरूरी है, और ये आपके पोर्स को टाइटनिंग का भी काम करेगा। एंड यू कैन इमेजिन, मेरा ये अभी खत्म होने वाला है और मैंने इसकी सेकेंड बॉटल भी परचेज कर ली, आई हैव 2 बॉटल्स। तो इतना सुपर ये टोनर है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, और जो आपके पोर्स है उनको भी टाइटनिंग का काम करेगा। सो या टोनर के लिए आप ये जरूर से यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है एक अच्छा सा स्क्रब की। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मेक श्योर कि आप वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार अपने फेस को स्क्रबिंग करो। जितना भी डेड स्किन है, ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है, वो जो स्क्रब से निकलते हैं ना, वो किसी भी चीज से नहीं निकलते हैं। एंड उसके लिए मैं जस्ट आपको एक ही स्क्रब सजेस्ट करूंगी, एंड दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड ऑरिफ्लेम। ये है ऑरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब। शुगर बेसिकली आपकी एक्सफोलिएशन के लिए काफी अच्छा रहता है, डेड स्किन, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स सबको बहुत अच्छे से निकालता है, और मिल्क एंड हनी इसके अंदर है, तो वी ऑल नो कि स्किन को मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करेगा, हाइड्रेट भी बहुत अच्छे से करेगा। तो मेक श्योर कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो जरूरी नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट्स वैसे ही यूज करने हैं जो आपकी स्किन से सारा ऑयल निकाल दे। स्किन का जो एसेंशियल ऑयल है वो स्किन में रहना भी चाहिए। अगर सब कुछ निकल जाएगा ना स्किन से, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी से, एक तो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत अजीब सी दिखने लग जाएगी। सो यस, दिस फेस वॉश इज लिटरली गुड। अभी भी स्क्रब को मिस मत कीजिए, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स स्क्रब जरूर से कीजिए। इसके बाद पारी आती है एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करने की। तो पहले मैं भी ये सोचती थी कि यार मेरी तो ऑयली स्किन है, मुझे मॉइस्चराइजर की क्या नीड है, बट
ट्रस्ट मी गाइज, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आप मॉइस्चराइजर जरूर से यूज करो। अगर आप यूज नहीं करोगे, अगर आपने आपकी स्किन को ड्राई रखा है, भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, तो आपकी स्किन को एक सिग्नल जाता है कि स्किन ड्राई है, तो वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा ऑयल छोड़ती है आपकी स्किन पे। तो मेक श्योर कि एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या अच्छे सी हाइड्रेशन आप अपनी स्किन को दोगे, तो जो सीबम प्रोडक्शन है आपकी स्किन पे या जो ऑयल आना है उसका लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, स्किन को सिग्नल नहीं जाता है कि आपको ऑयल निकालना है, स्किन ड्राई रह रही है। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है। इसके लिए मैं आपको दो मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, एंड बेसिकली आपको ये इस तरह की जेल कंसिस्टेंसी में मिलता है, जो कि स्किन के अंदर बहुत इजीली सिंक इन हो जाता है और बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। यू कैन सी, मतलब जैसे आप इसको यूज करोगे ना, स्किन पे ग्लो आएगा और टाइम के साथ ना आपकी स्किन का टेक्सचर और आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको खुद को नजर आएगी कि वो फेड अप हुई है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, दीज आर हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। विटामिन ई हमको पता है हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन पे ना वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। तो स्किन पे जो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आफ्टर 30, उसका जो टाइम लेवल है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो हमेशा आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज करना चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिंपल का ये हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर की है, थिक कंसिस्टेंसी है, तो काफी सी दिस कंसिस्टेंसी थिक है, लेकिन बहुत जल्दी से स्किन के अंदर सिंक इन हो जाता है ये भी, और ये भी स्किन पे बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन देता है। अच्छा मॉइस्चराइजर है, नॉन कोमेडोजेनिक है, तो अगर आपकी ऑयली सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, एंड जस्ट आपकी ऑयली स्किन है एज सच और इन पे प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस। दोनों मॉइस्चराइजर अपने आप में बहुत अच्छे हैं और नॉमिनल प्राइस के हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, बहुत हाई एंड ब्रांड के नहीं है, नॉमिनल प्राइस के हैं, बट अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमें लगाना होता है एक अच्छा सा सनस्क्रीन, एंड सनस्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, टॉप 5 सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, वो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था, बट इस साल मुझे एक ऐसा सनस्क्रीन मिला है जो लिटरली ऑयली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, एंड दैट वन इज फेस गार्ड का ये वाला सनस्क्रीन, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, नॉन कोमेडोजेनिक है, आपके पोर्स को ये बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो थोड़ी सी थिक है, बट इसके अंदर ना सिलिकन टेक्सचर है, तो ये बहुत जल्दी से स्किन के अंदर सिंक इन हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि हैवी लग रहा है या आपके फेस पे स्वेटिंग वगैरह आ रही है, इतना सुपर्ब ये सनस्क्रीन है। एंड दिस इज SPF 30 वाला, इसके अंदर आपको SPF 40 50 भी मिल जाएगा, बट मुझे घर के लिए लाइक डेली रूटीन के लिए यूज करना था, इसीलिए SPF 30 यूज किया है। सनस्क्रीन से रिलेटेड भी गाइस मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो या दिस इज लिटरली अमेजिंग सनस्क्रीन। और इस वीडियो में गाइस कोई भी प्रोडक्ट ऐसा स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद से जो अपने फेवरेट्स है जो मैं यूज करती हूँ वो ही आप लोगों के साथ शेयर। उसके बाद बारी आती है मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके। ऑलमोस्ट जितने भी आप देख लो फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उनको लगाने के बाद स्किन पे एक अजीब सा या तो फिर पसीना छूटता है या स्किन पे थोड़ी देर बाद में ऑयल आने लग जाता है, स्किन काली दिखने लगती है। सो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज की है, बट ट्रस्ट मी किसी ने मेरे फेस पे इतना अच्छा वर्क नहीं किया जितना ये दो प्रोडक्ट्स। वन फर्स्ट वन इज मेबलिन का ये सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन, बट ये मेबलिन का फिट मी 128 फाउंडेशन, मतलब इसका नंबर 128 है, एंड दिस इज 128 वार्म न्यूट। तो ये जो है ना फाउंडेशन, ये थोड़ा सा आपको हाई कवरेज देता है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, इन सबको बहुत अच्छे से हाइड कर है, और लिटरली दिस इज लॉन्ग स्टे। लाइक अगर आपने आपकी ऑयली स्किन भी है ना, तो भी ये 7 से 8 घंटे आपकी स्किन पे ऑयल को नहीं आने देगा, इतना सुपर ये फाउंडेशन है। बट इसकी जो कवरेज है थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आप पार्टी फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको नॉर्मल बीबी क्रीम, सीसी क्रीम टाइप का कुछ यूज करना है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, क्योंकि यार लिटरली वो कोई काम की नहीं होती है, इवन आपके जो डार्क स्पॉट्स है ना उनको भी हाइड नहीं करती। हम फाउंडेशन क्यों यूज करते हैं, अपनी स्किन को इवन बनाने के लिए, डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। तो इसके लिए ना आप ये यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा है, कंसिस्टेंसी भी काफी लाइट है आप देख सकते हो, और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है स्किन पे, और कवरेज जो है ना इसकी काफी
प्रिटी सी ये देता है, मतलब मीडियम कवरेज आपको देता है, तो आपके जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है उनको भी हाइड कर देगा एंड ऑयल को नहीं आने देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए दोनों फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करेंगे। लिटरली एक अच्छा सा फाउंडेशन आप ढूंढ रहे हो ना ऑयली स्किन वालों के लिए, तो यू कैन गो फॉर दिस। इसका डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इसका वीडियो मुझे बनाना है। एंड यस, उसके बाद आपको यूज करना होता है एक अच्छा सा लूज पाउडर। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी हमेशा अपने बैग में एक लूज पाउडर रखिए। आप कॉम्पैक्ट रख सकते हो, लूज रख सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ना 2 से 3 घंटे में ऑयल आ ही जाता है। दिस वन इज परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन, लाइक शुगर का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है और काफी प्यारी सी इसकी फिनिश है। आप अपनी स्किन पे यूज करोगे आपको खुद को फील होगा कि यस काफी फ्रेश लग रही है स्किन। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊं अपने बैग में जरूर से इसको कैरी करती हूं। और रीटच, जब भी आपको लगे कि यस ऑयली हो रही है आपकी स्किन, तो आप एक और काम कर सकते हो, मिस क्लेयर के ये ऑयल कंट्रोल टिश्यूज आते हैं, ये भी आपके हैंडबैग में आप हमेशा रखो। मेरे पास मैं हमेशा रखती हूं। इस तरह के आपको ये टिश्यूज मिलेंगे एंड नॉर्मली आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आया है, तो आपको ना इस तरीके से टैप करना है अपने फेस पे और जितना भी एक्सेस ऑयल है ना ये इसके ऊपर आ जाता है। यू कैन सी, मतलब मेरा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। एंड बस नॉर्मल आपको इस तरह से ना टैबिंग करने के बाद, एंड यू कैन सी जितना भी एक्सेस ऑयल था ना मेरे फेस पे सारा इस टिश्यू पे आ गया है। एंड उसके बाद अगेन आप अपने फेस को इससे डीटच कर सकते हो ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से। यस, ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग वर्क करेंगे। अपने हैंडबैग में रखिए और जब भी आपको लगता है कि ऑयल आ गया है टिश्यूज को यूज कीजिए एंड उसके बाद आप ये वाला पाउडर से अपने वापस से सेट कर सकते हो फेस को। एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज अ गुड काजल। काफ़ी ऑयली स्किन गर्ल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि यार दी हम कोई भी काजल लगाते हैं स्मज हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। सो ट्रस्ट मी, दिस वन इज बेस्ट काजल। लोटस का ये इको स्टे काजल है, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी प्यारी इसकी, ये देखो आप, एकदम जेट ब्लैक कलर का काजल है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। 7 to 8 आवर्स तक आईज के अंदर एज इट इज स्टे करता है। लिटरली एक अच्छा सा काजल है, नॉमिनल प्राइस का लाइक आई थिंक ये 230 या 240 रुपये तक काजल है, बट बहुत अच्छा अमेजिंग वर्क करता है ये। सो मेरे कहने पे अगर आप एक अच्छा सा काजल ढूंढ रहे हो ना तो इसको जरूर से आप ट्राई कीजिए एक बार। लिटरली आप कमेंट में आके मुझे खुद बोलोगे कि यार दी आपने बहुत अच्छा काजल सजेस्ट किया था। सो यस गाइस, ये कुछ ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो लिटरली मुझे लगता है कि ऑयली गर्ल्स के पास होने ही चाहिए। फाउंडेशन की बात ले लो, स्क्रब की ले लो, टोनर की, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार ऑयली स्किन है कौन सा यूज करें। यार सारे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिए, आप मुझे खुद को आके बोलोगे कि यार आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। सो यस गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग अमेजोन से ही होती है और सब कुछ मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है, लिंक्स में आपको सारे मिल जाएंगे। सो या अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।